हेलो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं पांच ऐसे बॉलीवुड एक्टर्स की जिन्होंने अपनी शुरुआत स्मॉल स्क्रीन से की थी। नंबर 5, आयुष्मान खुराना। आयुष्मान खुराना ने अपना टीवी करियर स्टार्ट किया था चैनल बी के शो पॉप स्टार से, जहां पे उन्होंने पार्टिसिपेट किया था उनके छोटे भाई अपार शक्ति खुराना के साथ। आई एम आयुष्मान खुराना, आई एम अपार शक्ति खुराना। आंखों में है बिजलियां, क्या है और हार क्या, हम इससे अनजान है। फिर 2004 में उन्होंने एमटीवी रोडीज का सीजन 2 जीता। हाय, मैं आयुष्मान खुराना हूं और मैं चंडीगढ़ से मास कम्युनिकेशन कर रहा हूं। और 8 साल अलग अलग शोज में एंकरिंग करने के बाद उन्होंने बॉलीवुड में डेब्यूट किया फिल्म विकी डोनर से। फिल्म सुपरहिट रही। हाँ, मैं विकी अरोरा। फेसबुक पे स्टेटस कॉम्प्लिकेटेड है। नंबर 4, आदित्य रॉय कपूर। प्रोड्यूसर सिद्धार्थ रॉय कपूर के भाई होने के बावजूद भी उन्होंने अपना टीवी करियर स्टार्ट किया था चैनल बी के शो पकाओ से। आपने चैनल बी पकाओ के बारे में सुना है? एक शो वे दे टीच यू हाउ टू खाना। इसके बाद उन्होंने एक और शो को होस्ट किया जिसका नाम था गॉडेस फेस्टिवल, और इस शो में उन्होंने कैटरीना कैफ का भी इंटरव्यू लिया था। कथक डांसिंग थिंग इन 40 डेज, 7 आवर्स अ डे। ऑलमोस्ट 4-5 साल टीवी में काम करने के बाद उन्होंने अपना बॉलीवुड डेब्यूट किया था 2009 की फिल्म लंदन ड्रीम्स से। फिल्म फ्लॉप थी, लेकिन फिर 2013 में उनको आशिकी 2 मिली और फिर वो रातों रात स्टार बन गए। नंबर 3, आर माधवन। माधवन ने अपना बॉलीवुड डेब्यूट किया था 2001 की फिल्म रहना है तेरे दिल में। तो मुझे बहुत अच्छे लगते हो। आई थिंक आई एम क्रेजी अबाउट यू। Yes! Yes! इस फिल्म से पहले वो कई सारे टीवी सीरियल्स में काम कर चुके थे, जैसे कि घर जमाई, साया, बनेगी अपनी बात। पीटर, मैं एक लड़की से प्यार करता था, मैं प्यार में इतना डूबा हुआ था कि मैं अपनी माँ का ख्याल नहीं रख पाया। नंबर 2, सुशांत सिंह राजपूत। सुशांत ने अपना टीवी करियर स्टार्ट किया था किस देश है मेरा दिल सीरियल से, लेकिन उनको पॉपुलैरिटी मिली 2009 की सीरियल पवित्र रिश्ता से। आपने अपनी फ्रेंड्स के केयर से जो मुझे बचाया। 4 साल टीवी इंडस्ट्री में काम करने के बाद उन्होंने अपना बॉलीवुड डेब्यूट किया था फिल्म काईपोचे से। नंबर 1, शाहरुख खान। बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान ने अपना टीवी करियर स्टार्ट किया था सीरियल फौजी से, और उसके बाद उन्होंने कई सीरियल्स किए जैसे दिल दरिया, सर्कस, वागले की दुनिया, लेकिन फिर 1990 में उनकी मां का इंतकाल हो गया था और फिर उन्होंने 1991 में डिसाइड किया कि वो फिल्मों में ट्राई करेंगे, और फिर उसके 1 साल बाद उन्हें फिल्म मिली दीवाना। तो ये था आज का वीडियो, आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।